आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं करवाने जा रही हूँ रिसोर्सिज एंड डेवलपमेंट। तो रिसोर्सिज मीन संसाधन, डेवलपमेंट मीन विकास, संसाधन और विकास। तो सबसे पहले तो रिसोर्सिज का मतलब क्या है, संसाधन का क्या मतलब है। कोई भी वस्तु जो भौतिक है, कोई भी भौतिक पदार्थ जो क्या है हमारे लिए उपयोगी है, उसको हम क्या कहेंगे, रिसोर्सेज कहेंगे। हमारे चारों तरफ जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं जो हमारे लिए यूजेबल हैं, उनको हम क्या कहेंगे, रिसोर्सेज कहते हैं। डेवलपमेंट मैन विकास, तो डेवलपमेंट हमने देखा ही था पिछले मेरे लेक्चर में कि डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। तो डेवलपमेंट का मतलब हम सिर्फ यहाँ इतना समझेंगे कि प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का लगातार बढ़ना क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। और ये किस पर डिपेंड है, ये डिपेंड है उत्पादन पर, कि उत्पादन बढ़ गया तो इसका मतलब हमारा क्या हो गया, विकास हो गया। तो रिसोर्सेज को देखते हैं हम कि संसाधन जो हैं वो क्या है। तो संसाधन हमने देख लिया, कोई भी भौतिक पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी है, मूल्यवान है, उसको हमने क्या कह दिया, संसाधन कह दिया। तो संसाधन हमारे क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। एक तो हमारा क्या है, नेचुरल, प्राकृतिक जिसको कहते हैं, और दूसरा होता है मैन मेड, या हम मैन मेड को क्या कह सकते हैं, मानव निर्मित। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं हमारे, नेचुरल, प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन क्यों कौन से होते हैं, जो गॉड गिवन है, गॉड ने हमें गिफ्ट के स्वरूप दिया है, प्रकृति से जो उपहार स्वरूप हमें दिए हैं उनको हमने क्या कहा, प्राकृतिक संसाधन कहा। इसमें हमारी क्या आती है, लैंड, भूमि आती है, वाटर, जल आता है, और जो हमारे मिनरल्स, खनिज वगैरह हैं वो आते हैं। ये सारे हमें प्रकृति ने उपहार स्वरूप दिए हैं, इनका उन्होंने प्रकृति ने हमसे कोई कीमत नहीं ली है। मानव निर्मित क्या है, जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे हमने सड़कें बनाई हैं, भवन बनाए, मशीनें बनाई, तो ये सारे क्या हैं, हमारी राजनीतिक संस्थाएं बनाई हैं, वो कौन सी हैं, मानव निर्मित संसाधन हैं। तो प्राकृतिक संसाधन आगे चलकर ये भी क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है नवीकरणीय, नवीकरणीय, दूसरा होता है अनवीकरणीय, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल। तो रेन्यूएबल क्या होता है, नवीकरणीय, जिसको दोबारा से नया बनाया जा सकता है, वो कहलाते हैं हमारे नवीकरणीय। ये रोज रीजनरेट इनको किया जा सकता है, एक बार समाप्त हो जाएंगे, नेक्स्ट डे फिर बना लिया जाएगा, तो वो नवीकरणीय हैं। तो इन संसाधनों के समाप्त होने का कोई खतरा नहीं होता। तो जैसे सौर ऊर्जा है, वो नवीकरणीय, सूरज रोज निकलेगा, आज जितनी ऊर्जा हमने बनाई वो आज ख़त्म कर ली, कल से दोबारा ऊर्जा हम जनरेट कर लेंगे। बायोमास, बायो ऊर्जा, ये सारी हमारी क्या है, वायु ऊर्जा है, ये नवीकरणीय है। अनवीकरणीय कौन से हैं, जिनको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता, ये एक बार समाप्त हो गए तो हो गए, दोबारा बनने में करोड़ों वर्ष लग जाएंगे। तो इसमें हमारा क्या आता है, कोयला है, पेट्रोल है, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब नवीकरणीय हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, टू टाइप्स के हैं। एक है जैविक और दूसरा है अजैविक संसाधन। जैविक क्या होता है, जो सजीव होते हैं, जिनमें जीवन पाया जाता है। अजैविक क्या होते हैं, जो निर्जीव होते हैं, जिनमें जीवन नहीं पाया जाता। जैविक में हमारी क्या होती हैं, जो वनस्पति है, वन्य जीव है, तो वन है और वन्य जीवन है, वन्य जीव। तो इसमें पेड़ पौधे, वन्य पशु, ये सारे हमारे आते हैं नवीकरणीय में, जैविक में। और अजैविक में हमारे कौन से आते हैं, जिनमें जीवन नहीं है। तो इसमें हमारी क्या आ गया, जल आ गया, भूमि आ गई, तो ये वायु आ गई, सूर्य का प्रकाश आ गया, ये सारे अजैविक हैं। तो नवीकरणीय में ये अजैविक हैं हमारे। तो वन जैविक है और ये नवीकरणीय कैसे है, पेड़ हमारा ख़त्म हो गया तो उनको हम दोबारा से लगा सकते हैं,
कुछ समय बाद वो फिर से बड़ा हो जाएगा। मन अजैविक में जिस तरह सौर ऊर्जा है ये समाप्त नहीं होगी, वायु ऊर्जा है। तो अजैविक में हमारे जिनमें जीवन नहीं है, हवा है, वायु है, जल है, ये सारी हमारी आती हैं। तो इसी प्रकार से अनवीकरणीय है, ये हमारे एक बार समाप्त होने पर इनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता। तो अब हमारा है कि मानव भी संसाधन दो प्रकार से, अब क्या मानव को एक संसाधन, हाँ मानव भी क्या है एक संसाधन है, और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन कौन है, मानव ही है, क्योंकि प्राकृतिक संसाधनों का अपने आप में कोई प्रयोग नहीं है, वो मनुष्य ही है जो इनको क्या बनाता, उपयोगी बनाता है, वो मनुष्य ही है जो इन संसाधनों को बनाता है और प्रयोग में लाता है। तो हमारा क्या होता है, जो भौतिक पर्यावरण या प्रकृति लिख सकते हैं हम, जो प्रकृति है, जो संस्थाएं हैं जो मनुष्य ने बनाई हैं, या यहाँ आप संस्थाओं की जगह क्या लिख सकते हो, मानव निर्मित संसाधन भी लिख सकते हो। तो इन सब का यूज कौन करता है, ह्यूमन बीइंग, मानव, और किसके द्वारा करता है वो, एक चीज इसने बना ली, टेक्नोलॉजी बना ली इसने। टेक्नोलॉजी क्या होता है, प्रौद्योगिकी, तकनीक। तकनीक का क्या अर्थ है, काम करने का तरीका, कि काम करने का तरीका बना करके अपने आप में कोयला है, पेट्रोल है, इसका कोई उपयोग नहीं था, लेकिन इसने उन टेक्नोलॉजी के द्वारा उनको क्या बना दिया, अलग करके उनको पृथक्करण कर लिया, मशीनें बनाई, उनको तेल है उसको साफ करके उसको यूज करने लायक बना दिया। तो प्रकृति का अपने आप में कोई यूज नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है जो एक संसाधन है, सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन है, वो इन दोनों को क्या करता है, चाहे वो प्राकृतिक हो संसाधन या मानव निर्मित हो, दोनों को टेक्नोलॉजी के माध्यम से यूज करने वाला, उपयोगी बनाने वाला मानव है। फिर इसका है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट का कैसा संबंध है, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट का। रिसोर्सेज में हमारा क्या आता है, जिस तरह से भूमि है, वन है, जल है और खनिज है, ये आगे हमारे किसमें, रिसोर्सेज में। अब इनसे विकास कैसे प्रभावित होता है, तो भूमि है जो कृषि का आधार क्या है, लैंड है, उस पर हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए सबसे ज़रूरी है, तो इससे कृषि, और विकास के लिए क्या ज़रूरी है, खेती ज़रूरी है, खेती ज़्यादा होगी, खेती में उत्पादन ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या है, विकास हो गया, तो लैंड ज़रूरी थी, तो लैंड हमारी हुई तो इसके कारण हमें क्या करनी शुरू की, खेती करनी शुरू कर दी। तो कृषि का आधार भूमि संसाधन है, इसका सही उपयोग है। अब जो दूसरा हमारा जो डेवलपमेंट है वो किस पर डिपेंड करती है, उद्योग पर डिपेंड करती है। तो इंडस्ट्री से शुरू होता है, उद्योगों में क्या होता है, वन है, वन्य जीवन है, जल है, खनिज है, कृषि है, और ऊर्जा के जो साधन हैं उनका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। परिवहन, संचार, व्यापार, इन संसाधनों के विकास का ढांचा कौन तैयार करता है, ये इंडस्ट्री ही तैयार करती है, क्योंकि वो सारा संसाधन कृषि के विकास के लिए जो औजार बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, परिवहन के साधन बनते हैं वो उद्योगों में बनते हैं, जिसके हिसाब से हमारा क्या है, कृषि की डेवलपमेंट निर्भर करती है। तो कृषि और उद्योगों के विकास के लिए हमें क्या चाहिए, संसाधन चाहिए। तो जिस देश में संसाधनों की मात्रा ज़्यादा होगी विकास उतना ही अधिक होगा, संसाधनों की मात्रा जितनी कम होगी विकास क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो फिर हमारे पास ये है कि भूमि संसाधन है, हमारा देश क्या है, बहुत बड़ा है, क्या भूमि संसाधन एक ही रूप में है, नहीं, भूमि के कई प्रारूप हैं, कई रूपों में हमें मिलती है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये अलग अलग भू आकृतियाँ हमें देखने को मिलती हैं। तो विशालता और विविधता अपने आप में क्या है, भारत में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि का उपयोग हम कितना किस प्रकार से करते हैं, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हमारा कुल क्षेत्रफल जो भारत का है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, परंतु हमें लगभग 93% के आंकड़े उपलब्ध हैं, जिसमें से हम क्या करते हैं, एक हमारा तशुद्ध बोया गया क्षेत्र जिस पर हम कृषि करते हैं, तो जो बोते हैं तो वो 46% है शुद्ध बोया गया
अक्षेत्र। बाकी प्रतिभूमि शब्द आएगा, इसमें कुछ प्रतिभूमि है। प्रतिभूमि दो प्रकार की होती है। एक प्रतिभूमि वो है जिस पर हमें, जो लगातार फसल पैदा नहीं कर सकते, इसको दोबारा फसल पैदा करने के लिए कुछ महीने या कुछ साल क्या छोड़ना पड़ता है, एक साल के लिए छोड़ना पड़ता है, कई बार 4-5 साल तक के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, ताकि ये भूमि दोबारा से अपनी उपजाऊ शक्ति को प्राप्त कर सके। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। अब जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा उसमें मैं इसके क्वेश्चन करवाऊंगी। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।